नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुज श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। बुलेटिन शुरू करने से पहले देखिए आज की टॉप 10 खबरें। प्रयागराज में उन्मादी भीड़ का आतंक सबसे ज्यादा देखने को मिला। धर्म विशेष को लोगों ने सरकारी संपत्ति समेत अधिकारियों को भी निशाना बनाया। मुरादाबाद में भी सड़कों पर उपद्रवियों का सैलाब नजर आया। जुमे की नमाज के बाद लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया और साथ ही सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों पर भी पत्थर बरसाए। सहारनपुर में भी नमाज के बाद नारेबाजी और प्रदर्शन देखने को मिला, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी के चलते वहां ज्यादा उपद्रव नहीं हो पाया। लखनऊ में भी टीले वाली मस्जिद के पास नमाज के बाद नारेबाजी और प्रदर्शन हुआ, हालांकि हालात काबू से बाहर नहीं हुए। फिरोजाबाद में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने सदर बाजार स्थित जामा मस्जिद में जुमे की नमाज काली पट्टी बांधकर अदा की और इन लोगों ने नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग की है। मवालियों में सबसे ज्यादा आतंक प्रयागराज में मचाया गया है और यहां उपद्रवियों ने कई वाहनों में आग लगाई है, सड़क किनारे खड़ी बाइक को फूंका है। प्रदर्शनकारियों पर काबू पाने के लिए पुलिस ने किया लाठीचार्ज। पुलिस के एक्शन के चलते उपद्रवी भागने को हुए मजबूर। हिंसा फैलाने वाले उपद्रवियों पर पुलिस से छोड़े आंसू गैस के गोले। भीड़ को तीर तितर बितर करने के लिए किया आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल। पुलिस कार्रवाई से नाराज उपद्रवियों ने पुलिस के वाहनों में लगाई आग। बवालियों ने पुलिस की वैन को भी फूंका। हंगामे के बाद प्रयागराज की सड़कों पर नजर आए पत्थर ही पत्थर। प्रदर्शन के दौरान बवालियों ने पुलिस पर किया था पथराव।